बॉडी रिकॉम्पोजिशन गाइस, रिजल्ट आपके सामने है। वी लॉस्ट फैट एंड बिल्ट मसल एट द सेम टाइम इन 60 डेज। यस, हम बात करने वाले हैं मॉडरेट कार्ब्स और हाई कार्ब्स के बारे में। यस, उसके पहले एक अनाउंसमेंट है। कार्डियो करके आया हूँ बिकॉज कल कार्डियो सेशन मिस हो गया था, सो आई वॉन्टेड टू गेट इट डन फर्स्ट। और अभी थोड़ा सा एनर्जी कम है, सो आई एम टेकिंग माई प्री वर्कआउट फ्रीक फ्रॉम बिग मसल। यस, ये प्री वर्कआउट मैं एक महीने से ले रहा हूँ। येस, नॉट रेगुलरली बट येस आई टेक इट वीकली 3-4 times, क्योंकि बढ़िया एनर्जी मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, इसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू स्टे फोकस थ्रू ऑफ द वर्कआउट। क्यों? इसमें कैफीन है। ये कैफीन आपको फोकस रहने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो जो आप वर्कआउट कर रहे हो ना, इट विल हेल्प यू पुश मोर, यू नो, पुश मोर वेट्स। एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट दिस इज द टिंगलिंग इफेक्ट। जैसे आप ले लेते हो ना, 5-10 minutes में इफेक्ट स्टार्ट होता है, एंड देन बूम, यू आर रेडी टू गो फॉर द वर्कआउट। इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल, जो फ्री प्री वर्कआउट है ना, दिस इज़ नॉट बिटर, मतलब कड़वा नहीं है जैसा कि अदर प्री वर्कआउट्स है। दिस इज़ वेरी गुड इन टेस्ट एंड माई फेवरेट फ्लेवर, यू कैन ऑलरेडी सी इट, इट इज़ सेक्स ऑन द बीच। इट इज़ अमेजिंग, एज आई टोल्ड यू, इसमें कोई बैन सब्सटेंस नहीं है। फोकस में हेल्प करता है, एनर्जी में हेल्प करता है। यू कैन टेक इट 15-20 minutes बिफोर योर वर्कआउट टू गेट एन इनसेन पंप ड्यूरिंग योर वर्कआउट। अगर आपको खरीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। Yes, you are going to love it. Now, without wasting any time, जाके एक intense back and bicep workout करते हैं. Let's go. Wearing a loose t-shirt doesn't mean I've lost my gains.
बात करने वाले हैं मॉडरेट कार्ब्स और हाई कार्ब्स के बारे में. यस, उसके पहले एक अनाउंसमेंट है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट श्रेडिंग. यस, अभी तक बॉडी फैट मेंटेन कर रहा था. थोड़ा बॉडी फैट एक्चुअली बढ़ गया है बिकॉज आई वॉज ईटिंग इन स्लाइट सरप्लस. उसका ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान था मेरा. तो अभी टाइम इज बैक एंड आई वॉन्ट टू गेट श्रेडेड. पता है क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं शेरू क्लासिक. यस, दिल्ली जा रहे हैं शेरू क्लासिक देखने. एंड आई वॉन्ट टू बी श्रेडेड वेन आई गो देर. ऐसा नहीं है कि यू नो टू शो एनी वन और प्रूफ, बस मुझे श्रेडेड होना है. यू नो दैट फीलिंग ऑफ लुकिंग एट पीपल ऑन स्टेज एंड यू ऑल्सो लुक गुड, राइट? उसके लिए. सो आई गेस सर बहुत कम टाइम बचा है तो आई वॉन्ट टू बी सुपर लीन. बेसिकली एब्स पॉप आउट आना चाहिए. यस, 10% बॉडी फैट, दैट इज द गोल. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट श्रेडिंग. तो मेरा क्वेश्चन था आपसे, मैं श्रेडिंग सीरीज स्टार्ट करूँ क्या? मेरा कंप्लीट देखो, अभी तक आपको समझ में आया रहेगा बॉडी रिकम्पोजिशन क्या है, कैसा है. मैं एक प्लेलिस्ट बना के सब वीडियोस उसमें डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो. अभी से मैं नेक्स्ट 50 डेज के लिए कंप्लीट श्रेड. गोल है कि एब्स पॉप होना चाहिए. अभी थोड़ा बॉडी फैट बढ़ गया है, मसल तो है देख सकते हो, लेकिन बॉडी फैट थोड़ा बढ़ गया है. आर्म्स लीन है लेकिन इधर चेस्ट में देखो थोड़ा बॉडी फैट बढ़ गया है. मैं दिखा लूंगा. ओके, मतलब एब्स है लेकिन क्लियर नहीं है, आप देख सकते हो बॉडी फैट. सो तो बॉडी फैट बढ़ गया तो उसको अभी कम करना है. तो कंप्लीट श्रेड होना है, एस्थेटिक्स, राइट? तो वो स्टार्ट करने वाला. तो मेरा रिक्वेस्ट ये था कि मैं पूछना चाहता था, आपने बॉडी रिकम्पोजिशन में बहुत प्यार दिया, श्रेडिंग सीरीज देखना चाहते हो क्या? मेरा प्लान ये है कि मैं क्या करूँगा, व्लॉगिंग स्टाइल में करूँगा अभी से, ठीक है? 50 डेज मैं एवरी डे में मेरा वर्कआउट डे टू डे रूटीन व्लॉग्स डालते रहूँगा. मेनली वर्कआउट एक्सप्लेन करूँगा एंड डाइट दूंगा कि कैसे मैं क्या खा रहा हूँ. अगेन आप उसे सीख सकते हो और श्रेड कर सकते हो. अगर आपने बॉडी को अभी तक किया है, अभी इट्स टाइम टू गेट श्रेडेड. समर आ रहा है एंड वी आर गोइंग टू गेट श्रेडेड. सो अगर आपको डेली रूटीन चाहिए, मील्स चाहिए व्लॉगिंग स्टाइल में, वर्कआउट, यस वर्कआउट डेली, डे टू डे वर्कआउट. मेरा अभी प्लान पूरा हाइपरट्रॉफी में रहेगा और मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं यू नो ट्रांसफॉर्म करूंगा डे टू डे, एवरी डे अपडेट. अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो मुझे, अगर आप करते हो फॉलो इंस्टाग्राम में, आपको पता ही रहेगा मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है. तो आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो. आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 100 कमेंट्स. यस, अगर आप लोग 100 कमेंट्स दोगे तो डेफिनेटली मैं सीरीज एवरी डे अपलोड करूंगा. वीडियो आपके लिए अभी कंसिस्टेंट होना है क्योंकि इट्स टाइम टू गेट श्रेडेड. यस, और नेक्स्ट थिंग, अभी बात करते हैं कार्ब साइक्लिंग का, यू नो मॉडरेट कार्ब और हाई कार्ब के बारे में, ठीक है? मैं अभी एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लो कार्ब डाला था, उतना व्यूज नहीं आया एंड मैनी टोल्ड मी पूरा फुल डे ऑफ ईटिंग मत डालो. तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कैसे किया जाता है. लो कार्ब आपको समझ में आ गया, अगर वेजिटेरियन हो तो आपको 100 से कम कार्ब्स रखना है, क्योंकि वेजिटेरियन में थोड़ा कार्ब्स रहता है बिना वे प्रोटीन का, राइट? एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 50-60 ग्राम से भी कम कार्ब्स रख सकते हो, राइट? अभी दैट यू हैव फॉलो फॉर 3 डेज. उसके बाद मॉडरेट कार्ब्स आता है. मॉडरेट कार्ब्स आपको करना है 2 दिन के लिए, उसके बाद एक हाई कार्ब डे रहेगा, ठीक है? मॉडरेट कार्ब में आपको क्या करना है, अगर आपने 50 ग्राम्स कार्ब्स रखा है, आपको बढ़ाना है 150 ग्राम्स तक. और जो 150 है ना, उसमें 70 ग्राम्स बिफोर वर्कआउट, 70 ग्राम्स आफ्टर वर्कआउट कार्ब सोर्स रख लो, ठीक है? अगर शाम को वर्कआउट करो प्री वर्कआउट, और पोस्ट वर्कआउट में कार्ब सोर्स रख लो. कार्ब सोर्स में आप बेसिक फ्रूट्स या आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर प्री और पोस्ट वर्कआउट रहेगा, राइट? उसके बाद ये सिंपल सा फंडा है, हो गया मॉडरेट कार्ब, समझ में आ गया. अभी हाई कार्ब, हाई कार्ब में आपको मॉडरेट कार्ब में आपको जो आपको फैट इनटेक है थोड़ा सा बढ़ाना है, प्रोटीन सेम रखना है. हाई कार्ब में थोड़ा सा फैट कम करो, कैलोरी देखो, लो मॉडरेट और हाई तीनों में कैलोरी सेम रहना चाहिए, जस्ट दैट यू आर प्लेइंग अराउंड विद मैक्रोस. समझ में आ रहा है ना क्लियरली? कोई डाउट है इसके बारे में तो कमेंट करके बता देना. और अगर आपको जानना है इतना बॉडी फैट है इतना है, लो मॉडरेट हाई के लिए कितना मैक्रोस चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं हेल्प कर लूंगा, ठीक है? थर्ड आता है हाई कार्ब. हाइट कार्ब डे इज अभी ट्रिकी, रिफीड जैसे कंसिडर कर सकते. इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा आपकी प्रोटीन और फैट दोनों कम करो. कार्ब, सिंपल कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स जो कार्ब्स है उसको बढ़ा दो, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको जंक खाना है, आपको कार्ब्स बढ़ाना है. बेसिकली ये काम कर सकते हो, राइस का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो. एवरी मील में कार्ब्स रखो, एवरी मील में कार्ब्स रखो एंड हैव इजी डाइजेस्टिंग कार्ब्स, सो दैट फॉर एग्जांपल आपने
मान लो आप 150 मॉडरेट कार्ब्स रखे हो, हाई कार्ब में 250 टू 300 करो, मेकिंग श्योर आपकी प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा कम कर दो, कार्ब्स बढ़ा दो, समझ रहे हो? इससे क्या होगा, आप अच्छा भी फील करोगे। यस यू कैन ऐड इन अ लिटिल बिट हियर एंड देयर नाइस टेस्टी फूड, बट देन मेक श्योर आप कैलोरिक लिमिट, फॉर एग्जाम्पल 1800 कैलोरीज है, लो मॉडरेट हाई में भी 1800 ही रहना चाहिए, बट कार्ब शुड बी हाई। होपफुली आपको आइडिया मिला। अगर आपको मैक्रोस के बारे में कुछ आइडिया चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता दो, आई डेफिनेटली आंसर यू एंड हेल्प यू आउट गाइस। एंड एज आई टोल्ड यू, प्लीज 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 मुझे बता दो अगर आपको शेडिंग सीरीज चाहिए, 100 कमेंट्स गाइस, मैं डेफिनेटली सीरीज स्टार्ट करूंगा डे वन से, ए टू जेड मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, आपने उसका ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस कर दिया, मैंने स्टार्टिंग में डाला था, अभी इट्स टाइम फॉर मी टू कम्प्लीटली गेट श्रेडेड एंड पील्ड। चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दो, बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर। फैट आ गया भाई, अभी ये फैट को सब हटाना है, मतलब मसल है लेकिन फैट भी है। Let's get shredded.